तो दोस्तों ये रही ट्रायम्फ स्पीड 400 और यही चीज मैंने हार्ले में भी देखी थी, यही चीज मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको मिलता है 400 सीसी का मैसिव बड़ा सा इंजन। ये देखो अभी भी इसके अंदर काफी गैप है। ये हेडलाइट की ब्रैकेट देखो, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको इसका स्पीडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है। हाल ही में लॉन्च हुई बजाज प्लस ट्रायम्फ की ट्रायम्फ स्पीड 400, जो मार्केट में आते ही जिसने एक अलग ही लेवल की धूम मचा रखी है। धूम इन सेंस की जो उसका प्राइस पॉइंट है, जो उसके अंदर फीचर्स हैं, जो उसका इंजन है, वो एक जिस प्राइस पॉइंट पे आती है उस प्राइस पॉइंट पे कुछ अलग ही लेवल का, मतलब जो एक कॉम्पिटिशन उसने क्रिएट करा हुआ है। सो आज यही देखना है कंपनी में जाकर, ट्रायम्फ के शोरूम पे जाके, कि ये जो बाइक है स्पीड 400 वो कैसी तो दिखने में, कैसी वो मतलब उसके अंदर फीचर दे रखे हैं, मतलब सारी चीज़ आज उसकी हम लोग रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि ये जो नई स्पीड 400 आई है, ट्रायम्फ स्पीड 400, वो बायर्स के लिए कितनी ठीक है और जो फीचर उसके अंदर आते हैं वो सही से काम करते हैं नहीं करते, या फिर सिर्फ हवाबाजी पेपरों के अंदर ही दे रखी है। तो यही सारी चीज़ें देखनी है। और अगर आप ट्रायम्फ स्पीड 400 प्लान कर रहे थे तो ये वीडियो आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली, पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वेल, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं NF Explore, और अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन की वीडियो, एक्सप्लोरेशन की वीडियोस लाता रहता हूँ। सो अब यहाँ पर इस सुपर मीटर के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, जल्दी से चलते ट्रायम्फ के शोरूम और एक्सप्लोर करते हैं इस नई बाइक ट्रायम्फ स्पीड 400 को, इस वाली वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों ये रही ट्रायम्फ स्पीड 400 आप सभी के सामने, एक छोटी सी बाइक, छोटी सी नहीं, इंजन बहुत बड़ा है इसका, बाइक हो सकता है आपको वीडियो में छोटी लग रही हो। तो सबसे पहले इसका एक वॉक अराउंड करते हैं। तो इस वाली साइड से ये कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है, और अगर इस वाली साइड की बात करें तो रियर प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट सा, काफ़ी छोटा सा, लेकिन जो चीज़ें इसके अंदर जो यूज़ करी हैं वो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही हैं, और काफ़ी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो रज के डिज़ाइन बना जाता है यहाँ तरीके से, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लग रहा कि जल्दबाजी में अटपटी करके बना दी ऐसे ही बस लगे रहो, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। जैसा ये ब्रांड है ऐसे इसके पार्ट हैं, बिल्कुल प्रीमियम ने ऐसे आपको फील होने वाली है यहाँ पे। तो यही है ट्रायम्फ स्पीड 400। अब सबसे पहले इसकी फ्रंट से बात करते हैं, तो फ्रंट में आपको यहाँ पे इसकी LED हेडलैम्प देखने को मिलती है, और इस तरीके कुछ यहाँ पे DRL भी देखने को मिलती है। मैं आपको इसको जला के दिखाऊंगा, और ऐसे कुछ इसके छोटू से इंडिकेटर है, और ये यार थोड़े मतलब आजकल डिज़ाइन इनमें चल रहा है, ये मेरी रिवोल्ट में भी ऐसे ही दिखता है, KTM में भी ऐसे ही दिखता है, इसमें भी ऐसे ही दिख रहा है, और बहुत सारी बाइकों में सिमिलर डिज़ाइन है, साइज़ थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, बाकी सब ऐसे ही रहता है। बाकी यहीं से थोड़ा सा नीचे आते तो ये USD फॉक्स आपको देखने को मिल जाता है गोल्डन कलर के अंदर, और यही चीज़ मैंने हार्ले में भी देखी थी, यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। और इसके नट वगैरह यार थोड़े अच्छे लग रहे हैं, ये देखो यहाँ पे कुछ अलग सा ही नट दिया हुआ है, तो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छी यूज़ करें कंपनी ने। और यहीं पे शॉकर के ऊपर आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है, और वहीं अगर इसके मडगार्ड की बात करें तो मडगार्ड भी इसका काफ़ी अच्छे मटेरियल से यहाँ पे कंपनी ने बनाया, लेकिन है ये प्लास्टिक। बाकी यहाँ पे इसके कुछ ये कवर लगे हुए हैं, जिस और ये क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे भी गार्ड लगाया हुआ है जिससे कि मट्टी उछल के सीधे शॉकर पे ना लगे, जिससे कि इसकी जो ये रबर वगैरह ये प्रोटेक्टेड रहे। वहीं अगर इसके फ्रंट डिस्क की बात करें तो यहाँ पे आपको वाइब्री की डिस्क और वाइब्री के ही ब्रेक कैलिबर्स देखने को मिल जाते हैं, और उसका लोगो भी यहाँ पे कंपनी ने लोगो या पूरा ब्रांडिंग यहाँ पे की हुई है, और ये काफ़ी अलग तरीके का यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ जिसपे ये चीज़ टाइट हो रखी है, और यहाँ पे ड्यूअल चैनल ABS। और यहीं से थोड़ा सा और पीछे आते तो सबसे पहले इसके इंजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलता है 400 CC का मैसिव बड़ा सा इंजन, और ये पावर तो काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस कर ही रहा है अब, बट एक जो होता है ना वो तरीके वाली बातचीत, वो आपको टेस्ट राइड वाली वीडियो में देखने को मिला जब मैं इसको राइड करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन इंजन काफ़ी सही है। यहाँ पे आपको ऑयल कूल प्लस एयर कूल दोनों कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। ऑयल वाला तो ये रेडिएटर यहाँ पे लगा हुआ है काफ़ी बड़ा सा, इसको फ्रंट से देखो, बाकी इसी के पीछे फ़ैन लगा हुआ है यहाँ पे, और उसकी नॉइज़ जब आ रही थी जब मैं इसको राइड कर रहा था, तो अभी थोड़ा सा ही मैंने इसको राइड करा है, बाकी अभी जब इसको चला के मैं आपको दिखाऊंगा तब आप देखना कि चलने में कैसी है, वो चीज़ आपको बाद में देखने को मिलेगी, इस वाली वीडियो में नहीं है वो चीज़। तो यहाँ पे हम बस इसको रिव्यू कर रहे हैं। ये जो यहाँ पे इंजन के ऊपर आपको फिन्स दिखाई दे रही है थोड़ी सी, ये एयर कूल के काम आती है, मतलब इंजन इससे थोड़ा ठंडा रहता है, और ये भी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब डिज़ाइन टेक्सचर यहाँ पे दिया हुआ है सिल्वर कलर का, और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये चीज़ देखो पूरी कवर करने के लिए यहाँ पे मेटल्स का यूज़ करा है, अलग अलग मेटल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये इसका बड़ा सा टैंक ट्रायम्फ, इस पे आपको वेजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पे 3 कलर ऑप्शन कंपनी ने प्रोवाइड करवाया, रेड ब्लू ब्लैक, सो रेड वाला वेरियंट अभी अपने पास है। यहाँ पे स्पीड 400 की आपको बड़ी प्यारी सी वेजिंग देखने को मिलती है, और ये जो साइड कवर है ये
प्लास्टिक का, और यहाँ पे भी कंपनी ने नेट का यूज़ करा है, ये देखो इधर की साइड में, ये भी वाइट कलर का है, मतलब कोई भी चीज़ आपको अटपटी नहीं लगेगी, बहुत सही तरीके से यहाँ पे कंपनी ने उस चीज़ों को, इन चीज़ों को डिज़ाइन करा है। इसके नट देखो, ये देखो बिल्कुल अलग सा नट, फ्रंट में मैंने आपको दिखाया था कुछ अलग सा था, यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है। और यहाँ पे नीचे की साइड में आपको स्टैंड देखने को मिलता है, मेन स्टैंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे रबर मुझे दिख रही है, ये जब स्टैंड ऊपर होता होगा तो रहता होगा यहाँ पे, तो ये है। बाकी फुट ट्रेस इसके काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी सही है, क्वालिटी इसके अंदर कंपनी ने काफ़ी अच्छी यूज़ करी है। और यहीं से अगर थोड़ा सा और पीछे आते तो ये इसकी स्विंग आर्म, स्विंग आर्म इसकी बिल्कुल अलग है और क्वालिटी यहाँ पे भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी यूज़ करी। और ये इसका शॉकर, यहाँ पे रियर में आपको 10 वे एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है, और इसका ये वो जो गैस वाला सिलेंडर होता है छोटा सा, वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्वालिटी में अगेन यही कहूँगा कंपनी ने काफ़ी अच्छी यूज़ करी है, साइज में मत जाइएगा, क्वालिटी को देखो यार। बाकी यहाँ पे भी गार्ड दिया हुआ है जिससे कि कोई चीज़ इस टायर के अंदर ना जाए, और रियर की डिस्क ये रही है, और अगेन वाइब्री का जो ब्रेक कैलिपर है उसके ऊपर भी यहाँ पे आपको वाइब्री का लोगो देखने को मिल जाता है, और अगेन डुअल चैनल ABS और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। और ये गैप देखो कितना बड़ा है, तो जब यहाँ पे दो लोग बैठते हैं तो ये ज़्यादा नीचे दबता तो नहीं होगा, ये चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। हर्ष पीछे बैठी हो, बैठ तो सही, हाँ बैठ। ये देखो अभी भी इसके अंदर काफ़ी गैप है, तो ऐसा नहीं है कि दो लोग बैठ रहे हैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल दब जाएगा, तो अच्छी गैपिंग है। बाकी वहीं अगर आप इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो अगेन यहाँ पे ये इंडिकेटर और ये रिफ्लेक्टर और एक यहाँ पे LED लाइट आपको देखने को, जो नंबर प्लेट पे रिफ्लेक्ट करेगी, और ये इसकी टेल लैंप LED टेल लैंप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, और ये यहाँ पे ग्रैब हैंडल, ये भी काफ़ी सही चीज़ कंपनी ने यहाँ पे दी है, किसी किसी बाइक में मिसिंग रहती है तो ये चीज़ गलत है, लेकिन यहाँ पे भी जो नट्स हैं आपको वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इस सीट की बात करें तो सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे जो ये सैडल हाइट है वो 790 mm की है, तो ये मतलब 5.7-5.8 हाइट जिनकी होती है उनको चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ये एडजस्टेबल है, थोड़ी और नीचे आई थिंक हो जाए ये, तो मुझे यहाँ से दिख नहीं रहा है पूरी अप है या पूरी डाउन है, तो ये भी एक यहाँ पे चीज़ है जो आप समझ सकते हैं। और ये इसकी पूरी पूरी चैसी, और ये भी मुझे लग रहा है यहाँ पता नहीं कौन सी कोटिंग की हुई है, अलग सी है ये, मुझे इसका स्पेसिफिक नाम नहीं पता है। बाकी खैर कोई बात नहीं, यहाँ से अगर रियर टायर की बात करें, फ्रंट की तो करी नहीं, रियर की कर लेते हैं। रियर में यहाँ पे आपको 150/60 का ये रबर देखने को मिल जाता है अपोलो कॉर, वहीं अगर इस अलॉय की बात करें तो 17 inches का यहाँ पे अलॉय कंपनी ने प्रोवाइड करवा, और ऐसा कुछ इसका चैंस पॉकेट है काफ़ी बड़ा सा, और ऐसा इसका कुछ एग्जॉस्ट, इस पर कोई भी कलर नहीं है, जैसा है इसको मुझे लग रहा है वैसे ही छोड़ा गया, और ये काफ़ी इसके लुक को मैच कर भी रहा है। और इस वाली साइड में आपको ये गेज देखने को मिल जाता है, इसके अंदर रियर डिस्क का जो ऑयल है वो डालते हैं इसके यहाँ पे, और ये इसका ब्रेक लीवर, और ऐसा कुछ यहाँ पे ये ट्राइम का बड़ा सा इंजन, और इसका ये लोगो, ट्राइम का लोगो यहाँ पे आपको इंजन के ऊपर ही देखने को मिलेगा। बाकी O2 सेंसर इसका ये रहा, और यहाँ पे ये जो हॉर्न है सिंगल टोन हॉर्न यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड करवाया, तो ये भी काफ़ी सही चीज़ है। चलो यहाँ तक पहुँच ही गए तो अब इस फ्रंट टायर की बात कर ही लेते हैं, तो यहाँ पे भी कंपनी ने अपोलो का ये टायर प्रोवाइड करवाया है। और अगर इस रबर की बात करें तो 110/70 का ये अपोलो का टायर है पूरा का पूरा, जो इसका ये साइज़ है। और अगर रिम की बात करें तो 17 inches का आपको ये एलॉय देखने को मिलता है यहाँ पे, और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है कुछ इस तरीके से। तो स्कैम्बलर के डिज़ाइन थोड़े से मैंने देखे अलग है, इसके बिल्कुल ही अलग है, तो वो जब आएगी उसके बारे में बात जब कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी प्यारी सी लगी वो भी दिखाता हूँ, ये हेडलाइट के ब्रैकेट देखो, मेटल भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंपनी ने यूज़ करा है, ऐसा नहीं है मतलब यार वही अगेन मैं कहूँगा कि चलो बना दिया ठीक है, तो वो नहीं है। सो इसको करते हैं यहाँ से ऑन, ऐसी इसकी एक कुछ की है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको इसका स्पीडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, 180 km/h की यहाँ पे स्पीड देखने को मिलती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, अगेन न्यूट्रल का यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको फ्यूल की इंडिकेशंस देखने को मिल जाती है इसके अंदर, ये ट्रिप 1 ट्रिप 2, यहाँ से आप कर सकते हैं चेंज कितने किलोमीटर पर लीटर चलेगी, क्या एवरेज दे रही है, ये सारा कुछ, फ्यूल टैंक में कितना पेट्रोल है उसके हिसाब से 460 km भी ये चल सकती है। यहाँ पे ओडोमीटर इतनी ये चल चुकी है न्यूट्रल का, इस साइड में ऑप्शन आ रहा है मतलब जिस गियर में होगी वो यहाँ पे शो करेगा, और ये RPM शो कर रहा है यहाँ पे इस वाली साइड में, ये देखो तो ये भी थोड़ी ब्लिंक भी कर रही है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, इंडिकेटर रिजर्व लगेगा तो उसकी भी लाइट इसके अंदर चलेगी, ये देखो हजार्ड लैंप में ऑन करूँगा तो वो यहाँ पे शो होगा, इंडिकेटर में ऑन करूँगा तो यहाँ पे शो होगा, हाई बीम यहाँ पे, मतलब इस तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पे अगर इसके स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे हाई बीम लो बीम और ये हाई बीम लो बीम, यहाँ पे ये अगेन स्पीडोमीटर की जो ट्रिप वगैरह उनको चेंज करने का बटन है, ये इंडिकेटर का, और यहाँ पे सिंगल टोन हॉर्न है, और ये किल स्विच बटन इसका, और ये अगेन हजार्ड लैम्प का स्विच, और ये सेल्फ का, स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी ऐसी कुछ इसकी क्लच है, काफ़ी स्मूथ है, और ये जो आपको साइड में मिरर देखने को मिल रहा है ये पार्ट ऑफ एसेसरीज नहीं है, ये इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है, मतलब कंपनी से ही लगकर आएगा, आपको अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रिप इसकी काफ़ी सॉफ्ट है,
बट ये सब चीज़ें चलाने में कैसी लगेंगी वो बाद में पता लगेगा। खैर ये इसका ऐसा कुछ हैंडल बार है और ये कोटिंग कौन सी है यार इसके ऊपर, मुझे इसका नाम पता लगेगा तो साइड में आपको दिख भी रहा होगा। और बाकी यहाँ पे ट्राइम्प लिखा हो इसके ऊपर, तो ये चीज़ें तो काफ़ी सही हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ। ये इसका यहाँ पे USB सॉकेट, यहाँ पे टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, मतलब आजकल ये जैसे अपने पास आईफोन है उसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ज़्यादातर मैंने देखा मैंने ए टाइप USB मिलती है, यहाँ पे सी टाइप USB आपको देखने को मिल जाती है। तो यही चीज़ें हैं प्रीमियम नेस जो यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन ये चीज़ चलने में कैसी है, बाकी सब चीज़ें कैसी हैं वो आपको दूसरी वीडियो में पता लगेगा। बाकी यही थी पूरी ट्राइम स्पीड 400। आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, बाकी इस वाली वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में फ्रेश फ्रेश कंटेंट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।